नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत कर देते हैं। पहले देखते हैं कि आज मैंने कौन सा शेयर चूज़ किया है और शेयर का बेनिफिट क्या है, क्या इसमें अभी और भी बाय करना चाहिए, क्या इसके अंदर और भी ग्रोथ है, क्या इससे और भी प्रॉफिट आ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो मैंने शेयर चूज़ किया है वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर चूज़ किया है, नालको नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये। तो देखते हैं इसके अंदर कि अभी भी अप ट्रेंड का मूव बाकी है। ये देखिए, मैंने गूगल पर नालको को चार्ट ओपन कर रखा है। ये देखिए, नालको शुक्रवार को यानी कि लास्ट कल फ्राइडे को ये 8% की अप ट्रेंड के साथ बंद हुआ है। ऐसा क्या है कि तेज़ी से इतना तेज क्यों, इसने 8% की ग्रोथ क्यों दिखा दी एक दिन में और ये क्यों भागने को तैयार बैठा है। पिछले एक वीक से 11% की ग्रोथ दिखा चुका है, तो ऐसा क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार आज तारीख है 26 जून और दिन समय हो रहा दिन का 1:30 बज रहा है। तो बेसिकली ये देखते हैं कि दोस्तों ये ओपन होता है 69 पे, हाई मारता 74.20 पे और लो मारता 69 पे। ये इसी रेट पे, इसी यानी 69 पे लो मारता, 69 पे ओपन होता है और 74 पे हाई मारता है और 74.20 हाई मारता है, 74 पे क्लोज होता है, यानी 8% की तेज़ी के साथ ये बंद होता है। इसका 52 हाई देख लेते हैं। इसका 52 हाई है 82.10 और 52 लो है 29.10। अब देखते हैं इसके अंदर क्या न्यूज़ पे व्यूज़ है, इसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि तेज़ी से भागने को तैयार बैठा है, क्या अभी भी सही समय इसमें इन्वेस्ट करने का। यस दोस्तों, इसके अंदर सही समय एकदम इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट अर्न करिए और अपने फाइनेंशियली गोल को अचीव करिए धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, जो भी मैं शेयर बताता हूँ वो थोड़े लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बताता हूँ, मैं कोई इंट्राडे नहीं बताता आप लोगों को, क्योंकि पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं आपको सारे शेयर सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ही आप अपने शेयर पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। इंट्राडे में आप फंसेंगे, इंट्राडे में आपने लॉस करेंगे। इंट्राडे नहीं है ये, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मेरे जो भी टारगेट बताता हूँ वो आपको 10 दिन में भी आ सकते हैं, एक वीक में, 2 दिन के अंदर भी आ सकते हैं। तो देखते हैं नैल्को के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तो पहले नैल्को के अंदर जाते हैं और जाने से पहले मैं दिखाता हूँ आपको नैल्को के अंदर क्या है। नैल्को अपना 28 तारीख को अपने रिजल्ट घोषित करेगा और देखते हैं इसके रिजल्ट के अंदर क्या है ऐसा कि कंपनी ग्रोथ पे है या लॉस पे है, ये देखते हैं कंपनी के। तो ये मैं कंपनी का टिकट ऐप के साइट पर आ चुका हूँ, मैं कंपनी का देखते हैं हम लोग भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के ऐसा क्या चलने वाला है कि कंपनी अभी ग्रोथ, क्योंकि आप देखिए मेटल के जितने भी शेयर हैं सारे भाग रहे हैं, निफ्टी का पूरा सपोर्ट कर रहा है। मेटल में फिर से बुल ट्रेंड चालू हो चुका है, मेटल भागने होते बैठा क्योंकि मेटल की डिमांड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ये देखिए दोस्तों, 2017 में से लेके 2018 2019 2020 एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, क्वार्टरली अच्छे प्रॉफिट देती है कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग रही है। इस क्वार्टर भी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे और ये प्रॉफिट मेकिंग रही कंपनी। ये तो इसका फाइनेंशियल चार्ट है मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। अब चार्ट पे देखते हैं इसका चार्ट पे क्या व्यूज बन रहा है। तो मैं आपका डेली चार्ट पे ओपन करता हूँ मैं अपना। ये देखिए दोस्तों, क्या बुलिश ट्रेंड है दोस्तों, यानी शुक्रवार को हाईली वॉल्यूम के साथ ट्रेंड होता है। ये देखिए कैंडल कितनी बुलिश ट्रेंड करी है इसने, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ देखिए MACD भी इसको क्रॉस करने वाली है, RSI भी इसको क्रॉस करने वाली है दोस्तों। अगर ये आपको 75-80 रुपये तक में मिलता है इसे डेफिनेटली बाय करिए। मेरा इसके अंदर ये देखिए इसका अप ट्रेंड की तरफ कहाना तैयार बैठा है, ये RSI इसका तोड़ेगा एवरेज मूविंग को। ये देखिए इसका RSI भी देखिए 60 से ऊपर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अच्छा पैटर्न है इसमें बाय करने के लिए। इसके अंदर मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो आएगा आपका 85 का, दूसरा टारगेट है मेरा 100 रुपीज़ का। तो दोनों टारगेट के लिए आपको बाय करके होल्ड रखना है और नैल्को को डेफिनेटली बाय करिए, क्योंकि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। अब डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अब देख लिया हमने, वीकली चार्ट पे देखते हैं इसका क्या कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये वीकली चार्ट पे भी अच्छा ट्रेंड दिखाएगा डेफिनेटली। ये देखिए वीकली चार्ट पे किस तरह से ग्रो कर रहा है, ये 32 रुपये से रुका नहीं है दोस्तों, ये 32 रुपये से भागता चला आया, भागता। ये देखिए यहीं की ये सपोर्ट ले रहा होगा चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, ये इस कैंडल से इसने सपोर्ट लिया 69 से 68 से, देखिए इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है ये। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये इधर कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है, ये बुलिश ट्रेंड की तरह भाग चुका है। ये मेरा पहला टारगेट 85, दूसरा टारगेट 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के लिए बाय करिए और जब भी अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाइए, क्योंकि अभी तक जितनी भी कॉल थी सब में मेरा अच्छे अचीवमेंट हुई है, आज सारी कॉल मेरी हिट हुई हैं और काफ़ी टाइम लगता है इसको रिसर्च करने के लिए। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मनी कंट्रोल के साइड पर चल के देख लेते हैं कि एनालाइज़र हमें क्या बोल रहे हैं, मनी कंट्रोल के साइड पर भी देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें एनालाइज़र हमें
94% हमें बोल रहे हैं कि इसमें बाय करिए। रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो आप उसे डेफिनेटली बाय करिए। टिकट टेप की साइड पर देखते हैं, इसमें भी एनालाइजर हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें भी 50% हमें बाय करने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।